गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक कादंबरी जिसका पाठ है पाठ 4 हमारा कश्मीर जो शीर्षक पाठ है उसी पाठ से मैं आज आप लोगों को उसका प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। आप सभी कोई ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और फिर प्रश्न उत्तर को अपने नोटबुक में नोट करेंगे। आइए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो है अभ्यास में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पाठ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क में है कश्मीर एक बड़ा बाग क्यों कहलाता है। प्रश्न है कश्मीर एक बड़ा बाग क्यों कहलाता है। आइए सुनते हैं इसका उत्तर। कश्मीर में कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत भी। कश्मीर में कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत भी हैं। पूर्ण विराम। यहां चिनार और देवदार के लंबे तथा विशाल वृक्ष भी हैं। सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कश्मीर एक बड़ा बाग है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसका उत्तर है, प्रश्न है पहला, कश्मीर एक बड़ा बाग क्यों कहलाता है। इसका उत्तर है कश्मीर में कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत भी हैं। पूर्ण विराम। यहाँ चिनार और देवदार के लंबे तथा विशाल वृक्ष भी हैं। पूर्ण विराम। सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। पूर्ण विराम। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कश्मीर एक बड़ा बाग है। ये प्रश्न संख्या क का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न संख्या ख देखिए। प्रश्न संख्या ख में है कश्मीर के दो प्रसिद्ध बागों के नाम बताइए, यानी कि कश्मीर के दो प्रसिद्ध बाग कौन कौन से हैं, उनका नाम बताना है। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर है कश्मीर के दो प्रसिद्ध बाग शालीमार तथा निशात बाग हैं। कश्मीर के दो प्रसिद्ध बाग शालीमार तथा निशात बाग हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग में है शालीमार बाग की विशेषताएं बताइए, यानी कि शालीमार बाग जो है उसकी क्या विशेषता है उसको बताना है। तो आइए उसकी विशेषता पर हम प्रकाश डालते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। शालीमार बाग की विशेषताएं बताइए। प्रश्न संख्या ग का उत्तर देखिए। शालीमार बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। शालीमार बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ आड़ू कौमा बादाम कौमा खुबानी बनता है। माफ कीजिए, यहाँ आड़ू बादाम खुबानी और चेरी के पेड़ों को भी देखते बनता है। ये बहुत सुंदर दिखते हैं। पूर्ण विराम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। शालीमार बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पूर्ण विराम। यहाँ आड़ू कौमा बादाम कौमा खुबानी और चेरी के पेड़ों को भी
देखते बनता है, कोमा ये बहुत सुंदर दिखते हैं, पूर्ण विराम। इन इसके साथ साथ यहाँ पेड़ों पर सेब भी लगे हुए हैं, पूर्ण विराम। इस बाग के प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा बिछा हुआ है, पूर्ण विराम। इसके बीचों बीच एक नहर भी है, पूर्ण विराम, जो एक एक सीढ़ी पर से उतरती हुई डल झील में जा गिरती है, पूर्ण विराम। यहाँ एक तालाब भी बना हुआ है, पूर्ण विराम। तालाब में जब फव्वारे छूटते हैं तब बहुत ही आकर्षक लगता है, पूर्ण विराम। इसके बाद प्रश्न संख्या अंगा है, निषाद बाग दर्शकों को प्रसन्नता से क्यों भर देता है, इन बागों में सिंचाई का क्या प्रबंध है। प्रश्न संख्या है अंग, निषाद बाग दर्शकों को प्रसन्नता से क्यों भर देता है, इन बागों में सिंचाई का क्या प्रबंध है। इसका उत्तर देखिए आप लोग, अंगा का उत्तर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि निषाद बाग इसमें कोई संदेह नहीं कि निषाद बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है, पूर्ण विराम। इस बाग के बीचों बीच बने तालाबों को देखते बनता है, पूर्ण विराम। एक नहर द्वारा ये सब आपस में मिले हुए हैं, पूर्ण विराम। यहाँ बहुत सारे फव्वारे हैं, पूर्ण विराम। इस बाग में बनी फूलों की क्यारियों को तथा चारों ओर सुगंध ही सुगंध दर्शकों को प्रसन्नता से भर देता है, पूर्ण विराम। इन बागों में सिंचाई हेतु उत्तम प्रबंध भी है, पूर्ण विराम। नहर तथा तालाबों के जल से ही इस बाग में सिंचाई की जाती है। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं, इसका उत्तर प्रश्न संख्या अंग का, इसमें कोई संदेह नहीं कि निषाद बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है। इस बाग के बीचों बीच बने तालाबों को देखते बनता है, एक नहर द्वारा ये सब आपस में मिले हुए हैं, यहाँ बहुत सारे फव्वारे हैं। इस बाग में बनी फूलों की क्यारियों को तथा चारों ओर सुगंध ही सुगंध दर्शकों को प्रसन्नता से भर देता है। इन बागों में सिंचाई हेतु उत्तम प्रबंध भी है, नहर तथा तालाबों के जल से ही इस बाग में सिंचाई की जाती है। आशा करता हूँ इसका प्रश्न उत्तर जो है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अभी दिखाने भी जा रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, फिर उसे अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको लिखित रूप से। कश्मीर में कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत भी हैं, पूर्ण विराम। यहाँ चिनार और देवदार के लंबे तथा विशाल वृक्ष भी हैं। सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कश्मीर एक बड़ा बाग है। उसके बाद प्रश्न संख्या ख का उत्तर है, कश्मीर के दो प्रसिद्ध बाग शालीमार तथा निषाद बाग हैं, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है प्रश्न संख्या ग का उत्तर, शालीमार बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, आडू, बादाम,
खुबानी और चेरी के पेड़ों को भी देखते बनता है। ये बहुत सुंदर दिखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पेड़ों पर सेब भी लदे हुए हैं। इस बाग के प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा बिछा हुआ है। इसके बीचों बीच एक नहर भी है जो एक एक सीढ़ी पर से उतरती हुई डल झील में जा गिरती है। यहाँ एक तालाब भी बना हुआ है। तालाब में जब फव्वारे छूटते हैं तब बहुत ही आकर्षक लगता है। उसके बाद अंगा का उत्तर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि निशात बाग भारत के सुंदर बागों में से एक है। इस बाग के बीचों बीच बने तालाबों को देखते बनता है। एक नहर द्वारा ये सब आपस में मिले हुए हैं। यहाँ बहुत सारे फवारे हैं। इस बाग में बनी फूलों की क्यारियों को तथा चारों ओर सुगंध ही सुगंध दर्शकों को प्रसन्नता से भर देता है। इन बागों में सिंचाई हेतु उत्तम प्रबंध भी है। नहर तथा तालाबों के जल से ही इस बाग में सिंचाई की जाती है। ये आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस प्रश्न उत्तर को अवश्य ही ठीक ढंग से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।